पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है वो हमने देखा था, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। इसके बाद पब्लिक रिवेन्यू मतलब गवर्नमेंट की कमाई, इनकम। तो गवर्नमेंट के कमाई इनकम का जो सोर्स है वो टैक्स है और नॉन टैक्स है। टैक्स सोर्सेस के अंतर्गत डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, जिसमें डायरेक्ट टैक्स बताया गया जिसके ऊपर चार्ज होगा उसी को पे करना होगा, जैसे इनकम टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स या फिर प्रॉपर्टी टैक्स, इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स। इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स सिर्फ एक ही है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मींस जीएसटी। जीएसटी चार्ज होता है प्रोड्यूसर पर, होलसेलर पर, लेकिन वो क्या करते हैं, इसे पोस्टपोन्ड कर देते हैं ऑन द हेड ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के सर पर ये लोड ट्रांसफर कर देते हैं। तो अगर टैक्स ट्रांसफरेबल है तो हम उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे। आज का टॉपिक है हमारा नॉन टैक्स सोर्सेस। तो सरकार को इनकम के नॉन टैक्स सोर्सेस कौन कौन से हैं वो आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नॉन टैक्स सोर्सेस हैं ये हमने पढ़ लिया था कि बाकी था, ये 7 पॉइंट पढ़ लिया है ना हमने, हाँ पढ़ लिया, ये भी लास्ट लेक्चर में हो गया था स्टूडेंट्स। फीस, इसका आगे चल रहा था, हाँ फीस, प्राइस, फीस आप जानते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस ये आपको बताया गया था, कोर्ट फीस हो गया, लीगल चार्जेस हो गया, वो इसके अंदर फीस में आता है। पब्लिक प्राइसेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, जो सरकार हमें सामान और सेवाएं दे रही हैं उस पर चार्ज करती है, जैसे रेलवे टिकट हो गया, पोस्ट ऑफिस स्टैम्प हो गया, उस पर जो हम पैसे खर्च करते हैं वो मतलब सरकार की कमाई है। स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल असेसमेंट आपने अपने एरिया में कोई अलग से डेवलपमेंट किया हुआ है, स्पेशली कोई रोड बनाया है या कोई ब्रिज बनाया है, तो सिर्फ उस एरिया वालों से टैक्स लिया जाएगा जो उसे यूज कर रहे हैं, तो उसे स्पेशल असेसमेंट कहा जाएगा। तो सरकार ने कोई ब्रिज, कोई रोड बनाया तो सिर्फ उसी एरिया, उसी एरिया के लोगों को उस ब्रिज या उस रोड को यूज करने पर चार्ज लगेगा, तो उसे स्पेशल असेसमेंट कहते हैं। फाइंस एंड पेनाल्टीज, पुलिस वाले हैं, कोर्ट वाले हैं, आरटीओ हैं, ये हमेशा पेनाल्टीज फाइंस चार्ज करते रहते हैं, वो भी सरकार की कमाई है। गिफ्ट ग्रांट एंड डोनेशन, जो सरकार को दान मिलता है फिल्म स्टार्स की तरफ से या बिजनेसमैन, जो रिच बिजनेसमैन हैं उनकी तरफ से, या कोई रिच पर्सनैलिटी है जिसका कोई वारिस नहीं है, अपनी धन दौलत सरकार को डोनेट करता है, तो उस तरह से गिफ्ट ग्रांट्स एंड डोनेशंस भी सरकार की कमाई है। स्पेशल लेवी, स्पेशल लेवी स्पेशल चीज़ों पर चार्ज होता है, जैसे आपको बताया गया था शराब, सिगरेट, गुटखा, इन चीज़ों पर क्या हैवी चार्ज होता है, क्योंकि इससे कमाई करना मेन उद्देश्य नहीं होता है सरकार का, मेन उद्देश्य होता है नशा मुक्त समाज बनाना या नशे पर कंट्रोल रखना, तो इसे स्पेशल लेवी कहा जाता है। बोरोइंग्स, बोरोइंग्स से भी कमाई होती है, लेकिन बोरोइंग्स तो ज़्यादा करके हमारे सर पर कर्ज हो जाता है, तो अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से सरकार ने कर्ज लिया तो उसे हम बोरोइंग कहेंगे। ठीक है, चलिए बोरोइंग मुद्दा जो है
वो मुख्यतः पब्लिक डेब्ट्स के अंदर आना चाहिए, इसके अंदर नहीं आना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने बोरोइंग भी यहाँ पर लिखा हुआ है। आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, ये बाद के टॉपिक सब छोटे छोटे स्टूडेंट्स, आज हम खत्म कर चुके हैं पढ़कर, तो पब्लिक डेब्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल, यहाँ हेडिंग्स देख लीजिए, फिर आगे हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। पब्लिक डेब्ट मतलब सरकार के जो कर्जे हैं वो क्या क्या हैं उसे पढ़ा जाए। तो पब्लिक डेब्ट, पब्लिक के जो कर्जे हैं, सरकार के जो कर्जे हैं वो या तो इंटरनल हो सकते हैं या तो एक्सटर्नल, मतलब अपने पब्लिक से, अपने देश के नागरिकों से या आरबीआई से बोरोइंग किया सरकार ने, तो वो इंटरनल डेब्ट कहलाएगा। मतलब आरबीआई तो हमारे ही देश का है, पब्लिक हमारे ही देश की है, हमारे देश के लोगों से अगर कर्जा लिया सरकार ने तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल। और बाहर वाले संस्थाओं से, ऑर्गेनाइजेशन से लिया, जैसे IMF जो है या फॉरेन लोन्स हैं, तो वो एक्सटर्नल डेब्ट्स मतलब एक्सटर्नल कर्जे कहलाएंगे। तो चलिए बेटा, ये जो पब्लिक डेब्ट है उसे हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। सो पब्लिक डेब्ट वी आर गोइंग टू रीड इन डिटेल, पब्लिक डेब्ट। पब्लिक डेब्ट हमारे पास पेज 76 पर हमारे पास पब्लिक डेब्ट। तो देखिए बेटा, पब्लिक डेब्ट में क्या लिखा हुआ है इन लोगों ने, पब्लिक डेब्ट मतलब सरकारी कर्जे, सरकारी कर्ज। तो सरकार कहाँ कहाँ से कर्ज लेती है, ये भी पब्लिक फाइनेंस का ही एक टॉपिक है, इसे हमें ध्यान से पढ़ना है। मान लीजिए स्टूडेंट, जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो कहाँ से कर्जे लेते हैं, पहले तो अपने भाई बहन से मांगते हैं, नहीं मिलता है तो रिश्तेदारों से मांगते हैं, रिश्तेदारों से नहीं मिलता है तो बैंक से मांगते हैं, अपने दोस्त मित्र से मांगते हैं। तो हो सकता है कि घर में ही कोई दे दे, चाचा मामा भाई बहन कोई दे दे हमें, या फिर हो सकता है कि बाहर से किसी फ्रेंड से या बैंक से लेना पड़े। तो सिमिलरली देश को भी ऐसे ही करना पड़ता है, अगर हमारे देश के नागरिकों से मिल जाए, आरबीआई से मिल जाए, स्टेट गवर्नमेंट से मिल जाए लोन, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनल। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है, अमाउंट बहुत बड़ा है, तो हम एक्सटर्नल लोन भी ले सकते हैं। इंटरनली लोन कैसे लेता है गवर्नमेंट वो देखा जाए यहाँ पर, उसके बाद एक्सटर्नल लोन भी देखेंगे। पब्लिक डेब्ट लाइक अ प्राइवेट इंडिविजुअल, जिस तरह से कोई प्राइवेट इंडिविजुअल जैसे आपके मम्मी पापा हैं, चाचा चाची हैं, वो कहाँ से लोन लेते हैं, कैसे कर्ज उठाते हैं आप जानते हैं। आई का प्राइवेट इंडिविजुअल, जैसे प्राइवेट लोग करते हैं, द गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू रेज लोन, तो गवर्नमेंट को भी हमेशा लोन की जरूरत पड़ती है। इन फैक्ट रेजिंग डेब्ट इज द मोस्ट कॉमन एक्टिविटी ऑफ अ गवर्नमेंट। तो कोई भी गवर्नमेंट है तो उसका सबसे मुख्य कार्य अब है रेजिंग डेब्ट, मतलब कर्ज पाने की क्षमता को बढ़ाना। क्योंकि स्टूडेंट्स, हर कंट्री अब क्या चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है। डेवलपमेंट के लिए काफी खर्चे करने पड़ते हैं, काफी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, उसके लिए सरकार को एक्स्ट्रा लिमिट से अधिक पैसों की जरूरत पड़ती है, तो ही आपका देश डेवलप हो पाएगा। तो रेजिंग डेब्ट इज द मोस्ट कॉमन एक्टिविटी ऑफ एनी गवर्नमेंट। तो अब किसी भी सरकार के लिए लोन को बढ़ावा देना, लोन प्राप्त करना, ये एक मुख्य कार्य प्रणाली बन गई है। बिकॉज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जनरली एक्सीड्स गवर्नमेंट रेवेन्यू, अगर हमें लोन मिलेगा, हमें कर्जे मिलेंगे, तो ही हमारी कमाई क्या होगी, बढ़ेगी, हमारी कमाई क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर हमें कहीं से लोन मिल जाए तो हाथ में पैसे आ जाएंगे, हाथ में पैसे आ जाएंगे तो आप कोई भी बिजनेस करके ब्याज देते रहिए लोन पर, अगर आपका बिजनेस काफी ग्रोथ में है तो आप अपना लोन भी धीरे धीरे उतार सकते हैं।
तो पहले लोग लोन नहीं लिया करते थे, लेकिन अब आपके भी दोस्त मित्र अगल बगल में आप सुनोगे तो मोबाइल लोन पर लिया हुआ है, बाइक लोन पर लिया हुआ है, कार लोन पर लिया हुआ है, होम लोन पर लिया हुआ है। तो लोन की जो कॉन्सेप्ट है, लोन का प्रचलन जो है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। सिमिलरली गवर्नमेंट भी अपने कमाई के लिए, अपने हाथ में पैसे आने के लिए लोन का सहारा ले रही है, मतलब डेब्ट उठा रही है, डेब्ट रेज कर रही है। पब्लिक डेब्ट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस, सरकारी जो पैसे हैं उनकी व्यवस्था करने के लिए, उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट इफिशियंटली करने के लिए पब्लिक डेट अब बहुत ही जरूरी है। जैसे स्टूडेंट्स, आप भी मान लीजिए आपके पास सिर्फ घर है लेकिन बिजनेस करने के लिए जगह नहीं है, दुकान नहीं है, तो आप अपने घर का डॉक्यूमेंट गिरवी रखकर लोन उठा सकते हैं बैंक से। दुकान आप अपनी ओपन कर लीजिए, कमाते रहिए, लोन पर इंटरेस्ट चुकाइए, ज़्यादा कमाई हो गई तो लोन भी चुका दीजिए। तो अब ऐसा सिस्टम चल रहा है। अगर आप सोचोगे कि जब पैसे हो जाएंगे तब मैं दुकान परचेज करूंगा, तब मैं दुकान कैश पेमेंट करके लूंगा, तो आप नहीं कर पाओगे, बहुत समय निकल जाएगा। कुछ समय तक आपको हिम्मत रहेगी, आप बचा लोगे पैसे, लेकिन धीरे धीरे पैसे यहाँ वहाँ खर्च होने चालू हो जाएंगे। कुछ टाइम के बाद आपका जो एम्बिशन है, जो आपका सोच विचार था, वो धीरे धीरे ढीला पड़ने लगेगा। तो लोन सिस्टम जो होता है उसके अंदर आदमी बहुत ही सतर्क रहता है और बहुत ही मेहनत से, लगन से काम करके बिजनेस को भी बढ़ाता है और लोन भी लौटाने की क्षमता रखता है। तो अब लोन का जो सिस्टम है वो बहुत ही फास्ट है। लोन जो है आपके पॉकेट में पैसे बढ़ा देता है, आपका जो बिजनेस है वो एक्सपांड कर देता है और आपके माइंड को लगातार जागरूक और एक्टिव रखने में मदद करता है। तो इसी तरह से सरकार भी जो है अपने हाथ में रिवेन्यू, बड़ा अमाउंट प्राप्त करने के लिए लगातार क्या है, डेब्ट्स रेज करने की कोशिश करती है, और ये जरूरी है ताकि डेवलपमेंट हो, डेवलपिंग कंट्रीज शीघ्र से शीघ्र डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट हो, इसके लिए डेब्ट्स बहुत ही जरूरी हैं। तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ डेब्ट। हमारे पास, हमारे सरकार के पास दो टाइप के डेब्ट्स हैं, दो तरीके से वो कर्जे ले सकता है। तो कौन कौन से हैं देखिए, इंटरनल डेब्ट एंड एक्सटर्नल डेब्ट, इंटरनल डेब्ट और एक्सटर्नल डेब्ट। इंटरनल डेब्ट मैंने बताया, व्हेन अ गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम इट्स सिटीजन, अपने नागरिकों से अगर कर्जे ले, अपने ही नागरिकों से कर्जे कैसे लेती है सरकार, गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज के बल पर सरकार जनता से पैसे प्राप्त करती है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स का नाम आपने सुना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स। तो ये गवर्नमेंट की बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स जो हैं ये पब्लिक खरीदती है सरकार से, सरकार से पब्लिक खरीदती है तो सरकार को पैसे पब्लिक देती है, सरकार के पास पैसे आ जाते हैं। तो ध्यान रखिए, सिटीजन से पैसे प्राप्त करने का जरिया जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स। इसके बाद में बैंक्स, जो बड़े बड़े बैंक हैं, आरबीआई बैंक हो गया या बैंक ऑफ इंडिया हो गया, उनसे भी हमारी सरकार जो है कर्ज ले सकती है। सेंट्रल बैंक बताया गया, आरबीआई, आरबीआई से, या फिर कमर्शियल बैंक, छोटे बैंकों को कमर्शियल बैंक कहा जाता है और बड़े बैंक को सेंट्रल बैंक कहा जाता है। तो आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक है और बाकी सभी बैंक, जितने भी बैंकों का आप नाम जानते हो, सब कमर्शियल बैंक्स हैं। तो बाकी सब बैंक्स, तो कमर्शियल बैंक हो या सेंट्रल बैंक हो, उससे गवर्नमेंट लोन ले सकती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, बाद में हमारे पास LIC है,
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और भी तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं जहां से गवर्नमेंट क्या है कर्जे ले सकती है ऑन और एज अ लोन। बिजनेस हाउसेस एक्सेट्रा, जिन लोगों का काम ही होता है लोन देना लोन लेना, उनसे भी गवर्नमेंट क्या है पैसे ले सकती है विद इन द कंट्री, अपने देश के अंदर। इट इज नोन एज इंटरनल डेब्ट। तो अपने देश के अंदर, अपने देश के अंदर रहकर, अपने भारत की बाउंड्री सीमा रेखा में रहकर आपने अगर किसी से लोन लिया है तो उसे हम इंटरनल डेब्ट। आगे एक्सटर्नल डेब्ट। एक्सटर्नल डेब्ट क्या होता है बेटा? अगर आप देश से बाहर कदम रखते हो, देश के बाहर जाते हो कर्ज लेने के लिए, लोन लेने के लिए, तो उसे हम एक्सटर्नल डेब्ट कहते हैं। देखा जाए व्हेन अ गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, देखिए विदेशी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से अगर हमारी सरकार कर्ज ले रही है तो उसे एक्सटर्नल डेब्ट कहेंगे। एक्सटर्नल डेब्ट डेफिनेटली फॉरेन गवर्नमेंट से लिया जाएगा, जैसे कि फॉरेन बैंक्स और इंस्टीट्यूट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ये दो नाम इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखिए, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये दो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कभी भी बाहर से कर्जे लेने हैं तो यही दो बैंकों का नाम आता है। ये दो बैंक जो हैं पूरी दुनिया को फाइनेंस करते हैं, इन बैंकों में पूरी दुनिया का पैसा जमा होता है, पूरी दुनिया का पैसा, वर्ल्ड सारे कंट्रीज अपने पैसे इन बैंकों में जमा करते हैं और जिस देश को चाहिए वो लेकर जाता है लोन के तौर पर, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF या फिर वर्ल्ड बैंक WB एक्सेट्रा, इट इज नोन एज एक्सटर्नल डेब्ट। तो बहुत ही इजी था स्टूडेंट, बहुत ही आसान था। अपने लोगों से, अपने नागरिकों से, अपने सिटीजन से अगर आप लेते हो लोन तो वो इंटरनल बोरोइंग है। अपने देश के बैंक, अपने देश के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया तो इंटरनल डेब्ट, और बाहर के इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से आपने लिया या वर्ल्ड बैंक से लिया, फॉरेन गवर्नमेंट से लिया, तो उसे एक्सटर्नल डेब्ट कहा जाएगा। ओके, तो ये बहुत ही ईजी था। तो इस तरह से हमने डेब्ट, पब्लिक डेब्ट पॉइंट कंप्लीट किया। पब्लिक डेब्ट में दो ही पॉइंट थे स्टूडेंट्स, ये दो पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए डेब्ट के बाद जो पॉइंट है वो देखा जाए। यहां पर आपको शॉर्ट में एक रिवीजन दिया हुआ है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। इंटरनल डेब्ट रेज विद इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब यहां पर कंट्री, ऐसे डेब्ट जो आपने प्राप्त किया है अपने देश के अंदर, अपने देश की सीमा रेखा के अंदर रहकर, उसे हम इंटरनल डेब्ट कहेंगे। रेज्ड आउटसाइड ऑफ द कंट्री, अपने देश से बाहर निकलकर आपने कर्ज लिया तो उसे एक्सटर्नल डेब्ट कहा जाएगा। वॉलंटरी और कंपल्सरी इन नेचर, ये जो लोन होते हैं स्वेच्छा से भी लोग दे सकते हैं और कंपल्सरी भी आप कर सकते हो, कंपल्सरी भी कर सकते हो। जैसे देखिए घर में, फैमिली में बड़ा भाई कमा रहा है तो घर खर्च, जिसे खुराकी कहते हैं, घर खर्च, तो होम रेसिडेंशियल एक्सपेंडिचर्स के अंदर अपना सहयोग देता है, तो अपना सहयोग वो अपनी स्वेच्छा से भी दे सकता है, या फिर बड़े पेरेंट्स जो हैं वो क्या है रूल बना सकते हैं कि नहीं आपको कमाई हो या ना हो 3000 या 4000 आपको घर के लिए हर महीने देना ही देना है। तो जिस तरह से आप देख रहे हो कि हम अपने लोगों पर स्वेच्छा और कंपल्सन दोनों लगा सकते हैं, वैसे देश अपने लोगों पर स्वेच्छा से भी प्राप्त कर लेता है, नागरिकों की स्वेच्छा से, या फिर नागरिकों को कंपल्सरी भी कर सकता है, ठीक है, नागरिकों को कंपल्सरी भी कर सकता है, ठीक है। चलिए यहां पर दूसरे साइड में देखिए, वॉलंटरी इन नेचर, लेकिन हम दूसरे लोगों पर तो दबाव नहीं कर सकते ना, बाहरी लोगों को हम जबरदस्ती नहीं कर सकते,
के ऊपर है, उनकी मर्जी के ऊपर है। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम विनती कर सकते हैं। अब बाहर के जो बैंक है, जो फॉरेन कंट्रीज हैं, उनकी स्वेच्छा, उनकी इच्छा के ऊपर है। अगर वो देना चाहें तो देंगे डेट, नहीं देना चाहें तो नहीं देंगे। ध्यान दीजिए, अपने लोगों पर स्वेच्छा भी चलेगा और कंपल्सन भी चलेगा, लेकिन बाहर वालों को हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। उनकी इच्छा पर ही सिर्फ हमें डेट मिल सकता है। यूज ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, अगर हम अपने लोगों से कर्ज ले रहे हैं तो हमारी जो करेंसी है रुपीज, हमारी करेंसी जो है रुपीज, उसी में हमें क्या है लोन प्राप्त होगा। और अगर हम बाहर से लोन ले रहे हैं तो हमें फॉरेन करेंसी में नोट, फॉरेन करेंसी में हमें कर्ज लोन मिलेगा। ठीक है, डॉलर जैसे हुआ, पाउंड हो गया, ठीक है, येन हो गया। तो यूज ऑफ फॉरेन करेंसी, बाहर से आप अगर लेंगे कर्ज तो बाहर की ही करेंसी में आपको कर्ज मिलेगा। लेस कॉम्प्लेक्स फॉर मैनेजमेंट, अब ये अपने ही लोगों का पैसा है तो हम क्या है थोड़ा टाइम जो वादा किए थे उससे हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम अपने लोगों से सहयोग भी ले सकते हैं, इनका पैसा लेकर उनको भी दे सकते हैं। तो इसमें कॉम्प्लेक्शन क्या कम है, अपने ही लोगों का पैसा है, अपने लोगों को क्या है हम थोड़ा आराम से, या अपने लोग समझ लेते हैं, घरेलू बात रहती है जिस भाई बहन आपस में समझ लेते हैं, हाँ तकलीफ है थोड़े टाइम के बाद हो सकता है। तो वहाँ पर देश में भी क्या है, अपने नागरिकों से अगर आपने लोन लिया है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स उसमें कम रहेगा। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है, टेंशन संतुलन थोड़ा कम रहेगा। मोर कॉम्प्लेक्स फॉरेन डेप्ट जो है, एक्सटर्नल डेप्ट जो है वो मोर कॉम्प्लेक्स है, मोर कॉम्प्लेक्स फॉर मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या है, बहुत ही दबाव होगा, ठीक है। आप अगर समय पर नहीं दोगे तो आपका इंटरेस्ट जो है इंक्रीज किया जा सकता है, या आपकी प्रॉपर्टी जो है वो जब्त की जा सकती है। ये बहुत ही कठोर, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही हार्ड है, इसमें रूल क्या है बहुत ही हार्ड होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा इंटरनल डेप्ट और एक्सटर्नल डेप्ट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत स्टूडेंट्स, ज़्यादा पार्ट्स नहीं बताए इन लोगों ने, बस इतना ही एक्सप्लेनेशन है, 5-6 लाइन, इसे पढ़ लेते हैं हम। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी आपको बताया गया, जो भी वित्तीय योजनाएं हैं, ऊपर का जो भी आपने पढ़ा, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रिवेन्यू, पब्लिक डेप्ट, तो इनको किस तरह से इनको अरेंज करना है, किस तरह से इनका एक दूसरे से तालमेल बिठाना है, वो फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत आता है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की हर पॉलिसी को मिला जुला कर जो ओवरऑल पॉलिसी बनाई जाती है उसे फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। तो गवर्नमेंट कई प्रकार की पॉलिसीज बनाती है, सबको एक साथ मिलाकर एक साथ सोचा जाए जिसके ऊपर, तो उसको, उस पॉलिसी को हम फिस्कल पॉलिसी कहेंगे ओवरऑल। तो फिस्कल पॉलिसी इज मींस बाय विच अ गवर्नमेंट एडजस्ट इट्स स्पेंडिंग लेवल एंड टैक्स रेट टू मॉडरेट एंड इन्फ्लुएंस अ नेशंस इकोनॉमी। तो देखिए बेटा, फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या होता है बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए। नेशंस इकोनॉमी मतलब देश की रुपए की शक्ति, देश की जो वित्तीय पावर है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, तो देश की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उसे इन्फ्लुएंस करने के लिए, मतलब मजबूत बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो देश की फाइनेंशियल पावर को मजबूत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मॉनिटर मतलब लगातार नजर रखते हैं। किन दो चीजों पर, देखिए, स्पेंडिंग्स लेवल एंड टैक्स रेट। स्पेंडिंग लेवल मतलब गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है उसे मापते रहिए लगातार, और उस खर्च को सोर्स कहां से मिलेगा, टैक्स से। तो जितना खर्चा आपको करना है उतना आपको टैक्स चार्ज करके पब्लिक से पैसा जमा करना पड़ेगा, हासिल करना पड़ेगा।
उतना पैसा अगर आप प्राप्त करोगे तभी तो खर्च कर पाओगे। तो फिस्कल पॉलिसी आपने समझ लिया कि ओवरऑल ये क्या कर रही है, गवर्नमेंट इसके अंदर एडजस्ट करती है, किन दो चीजों को एडजस्ट करती है, स्पेंडिंग लेवल मतलब खर्च कितना करना है एंड टैक्स रेट और कमाई के लिए टैक्स कितना फिक्स करना है। तो खर्च के हिसाब से टैक्स फिक्स करना और इस तरह से फिक्स करके मॉनिटर करते रहना कि हमारे देश का जो फाइनेंशियल पावर है वो क्या है, स्ट्रेंथ बढ़ते रहे, फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ है वो इन्फ्लुएंस होता रहे। ठीक है, ये फिस्कल पॉलिसी है। आगे देखते हैं, इट डील्स विथ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो स्पेंडिंग लेवल मतलब क्या, पब्लिक एक्सपेंडिचर, एंड टैक्स रेट मींस व्हाट, पब्लिक रिवेन्यू एंड पब्लिक डेब्ट। तो ऊपर के जो मैंने तीन बताया आप लोगों को, ये तो पूरा हेडिंग था, पूरा टॉपिक था। पहला टॉपिक था पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब स्पेंडिंग, दूसरा था पब्लिक रिवेन्यू मतलब पब्लिक की कमाई, सरकार की कमाई, वो टैक्स रेट, एंड डेब्ट मतलब इंटरनल डेब्ट एंड एक्सटर्नल डेब्ट। तो इन सभी का तालमेल बिठा कर रखना, तालमेल बिठा कर रखना मतलब जितना खर्चा होने वाला है उतने का जुगाड़ लगा लिया जाए, या तो टैक्स से या तो कर्जे लेकर। ठीक है, तो जिस तरह से आप जानते हैं कि आपके घर में शादी ब्याह या पढ़ाई लिखाई एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत है, तो पेरेंट्स तालमेल बिठाते हैं कि क्या करूं, कहां दुकान डालूं, कहां जॉब करने जाऊं, किस तरह से क्या करूं, कि 2 साल बाद शादी है घर में या दो साल बाद किसी बड़े एजुकेशनल लेवल पर खर्च होने वाला है तो उसके लिए पैसे का बंदोबस्त कैसे करूं। तो या तो कमा कर लाऊं या तो किसी से कर्ज लूं। तो कमाई और कर्ज को मिलाकर उस खर्चे को क्या है, डील करना है, उस खर्चे से लड़ना है। ठीक है, तो इसी तरह से फिस्कल पॉलिसी में भी पब्लिक एक्सपेंडिचर से लड़ने के लिए, दो जगह से सोर्स लगाया जाता है, पब्लिक रिवेन्यू और पब्लिक डेब्ट से, मतलब पब्लिक सरकारी कमाई और सरकारी कर्जों, सरकार कितना कमा रही है, सरकार कितने कर्ज ले रही है, दोनों को मिलाकर सरकारी खर्चों को जवाब दिया जाता है, संभाला जाता है। तो ये जो संभालने का काम है, मॉनिटर करने का काम है, तीनों को मैनेज करने का काम है, वो फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत होता है, फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत वो होता है। ठीक है, चलिए आगे स्टूडेंट्स, फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अभी जो आपने योजनाएं बना दी, ऊपर तो आप सब योजनाएं बना रहे थे, लेकिन योजनाएं बनने के बाद कौन पालन करता है, बोलने के लिए तो सब लोग बोल देते हैं लेकिन पालन कौन करेगा। तो पालन करने के लिए हमें फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी बनाना पड़ता है। तो जो कहा गया, जो डिसाइड किया गया, वो हो रहा है कि नहीं, उसे कड़ाई से जबरदस्ती फोर्सली करवाना, उसको प्रैक्टिकली होना, ये जवाबदारी होता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का। तो देखा जाए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और स्मूथ एंड इफिशियंट इम्प्लीमेंटेशन, और स्मूथ एंड इफिशियंट इम्प्लीमेंटेशन मतलब सही तरीके से और योग्य तरीके से, और स्मूथ एंड इफिशियंट मतलब सही तरीके से और योग्य तरीके से, इम्प्लीमेंटेशन मतलब जो कहा गया वही लागू हो, जो फैसला हुआ वही लागू हो। तो बजट के अंदर जो कहा गया कि इस पर खर्च करना है, इतना खर्च करना है, 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर ये डेवलपमेंट दिखाई देना चाहिए, दिखाना है, तो वो सचमुच हो, इम्प्लीमेंट हो जो कहा गया, उसके लिए क्या है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है, एस्टैब्लिश किया जाता है। स्मूथ एंड इफिशियंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो भी सरकार ने रिवेन्यू पॉलिसी बनाया, पब्लिक रिवेन्यू पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी एंड पब्लिक डेट पॉलिसी जो भी सरकार ने बनाया, उसका सिस्टमैटिक पालन हो, लॉ एंड ऑर्डर उसके ऊपर चलता रहे,
इसलिए हम क्या है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करते हैं. दिस includes preparation and implementation of the government budgets along with overall growth of the country. So administration के अंदर देखा जाता है कि जो भी budget के अंतर्गत फैसला लिया गया है वो systematic आपके देश में सुचारू रूप से चलता रहे ताकि country का देश का overall विकास हो, overall वृद्धि हो. ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट जो स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट किया. आप स्ट्रक्चर एक बार वापस से देख लीजिए और उसके हेड्स दिमाग में आप बिठा लीजिए. तो यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर दिखाया गया था स्टार्टिंग में, ये स्ट्रक्चर ये हमने आज पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब पब्लिक के खर्चे, सरकारी खर्चे, पब्लिक रेवेन्यू मतलब सरकार की कमाई, पब्लिक डेब्ट मतलब सरकारी कर्ज, सरकार कर्ज कहाँ से लेती है, फिस्कल पॉलिसी मतलब ये स्टार्टिंग के तीनों पॉलिसी का तालमेल बिठाने के लिए, आपस में एडजस्ट करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए फाइनेंशियल पॉलिसी बनाई गई है. खर्चा और कमाई हमेशा आपस में बैलेंस रहे. ठीक है, इसलिए फिस्कल पॉलिसी बनाई गई है, वो इन तीनों में क्या करता है तालमेल बिठाता है. पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेब्ट, इन तीनों में तालमेल बिठाता है. लास्ट में हमने देखा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टिंग के चारों में आप सिर्फ योजनाएं बनाते हैं, फैसला करते हैं, लेकिन उस योजना और उस फैसले को सफल बनाने के लिए, देश का लगातार डेवलपमेंट होने के लिए हम फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी तैयार करते हैं, जो क्या है बनाई गई योजनाओं का जबरदस्ती फोर्सली पालन करवाने में सक्षम होता है. ठीक है, तो इस तरह से 5 पॉइंट्स हमने पढ़कर खत्म किए, 5 पॉइंट्स ये स्ट्रक्चर के खत्म हुए. इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास बजट है. बजट के ऊपर इसके बाद ये लोग डायरेक्ट आ गए, क्योंकि ये सारे बातें बजट के अंदर क्या है दर्ज होती हैं कि एक्सपेंडिचर कितना होगा, रिवेन्यू कितना होगा, डेब्ट कितना होगा, फाइनेंशियल पॉलिसी जो फिस्कल पॉलिसी है वो किस तरह से बनाई जाएगी, और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, उसका लेवल क्या होगा, वो सब बजट के अंदर डिसाइड होता है. तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट. तो स्टूडेंट्स आप जो कुछ भी छोटे लेवल पर या आप अपने घर में देखते हैं सेम टू सेम वही सरकारी लेवल पर भी होता है. आप देखते हैं कि आपके एरिया में कुछ जगहों पर क्या है बजट ऐसा लोग बनाते हैं घर का कि जितनी कमाई है उतना ही खर्चा. मतलब मान लीजिए कुछ घर ऐसे होते हैं कि रोज कमाते हैं रोज खर्च हो जाता है, रोज कमाते हैं रोज खर्च हो जाता है, रोज कमाते हैं रोज खर्च हो जाता है, कुछ बचता नहीं है अगले दिन के लिए. किसी भी दिन अगर आप काम पर नहीं गए, जॉब नहीं मिली, काम नहीं मिला, तो उस दिन घर पर प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, खाने के लिए भी तकलीफ हो जाएगा. तो कुछ घर में ऐसा होता है. और कुछ घर आप देखते हैं कि संपन्न है, आपके अगल बगल में कुछ घर बड़े ही रिच हैं, एडवांस हैं, तो वहां पर आप क्या पाएंगे कि उनकी कमाई ज्यादा है और खर्चे भी ज्यादा हैं, लेकिन खर्चों से ज्यादा कमाई है, कमा कमा कर रखते जा रहे हैं, और बच्चे फिल्म मतलब मूवी वगैरह में, घूमने फिरने में, रिसोर्ट में, यहाँ वहां खर्चे कर देते हैं शॉपिंग वगैरह में, फिर भी उनका पैसा क्या है बचता है. तो कुछ परिवार ऐसे होते हैं, ठीक है, जहां कमाई ज्यादा होती है लेकिन खर्चे क्या है कम है, कमाई बहुत ज्यादा है खर्चे कम है. इसके बाद तीसरा टाइप होता है जहां पर खर्चे ज्यादा होते हैं लेकिन कमाई कम है. ठीक है, तो इसमें प्लानिंग बहुत ज्यादा लगती है. अगर कोई पिछड़े हुई एरिया से है लेकिन कुछ कर दिखाने की उसकी सोच है तो वो क्या करता है यहाँ वहां से सोर्स लगाकर कर्जे ले लेता है. तो कमाई तो कम है लेकिन खर्चे ज्यादा करता है अपने घर पर, परिवार पर, उसके विकास के लिए, ताकि खर्चे कर दिए जाए, पैसे रहेगा, खर्चे होंगे तभी घर का क्या है रिक्वायरमेंट्स
फुलफिल होगा, जो भी घर में चाहिए, बेड चाहिए, फ्रिज चाहिए, ओवन चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, वो सब आ जाएंगे तो हम जरा एक्सपर्ट हो जाएंगे, हम जरा संपन्न हो जाएंगे, तो अच्छी तरह से हाई या एडवांस बिजनेस कर सकेंगे। तो किसी भी पिछड़े हुए घर को प्रोग्रेस करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए लोन लेना ही पड़ता है। अगर आप लोन नहीं लोगे तो आपके पास बाइक नहीं आ पाएगी, खुद का बिजनेस के लिए गाला नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बेटा, तीन टाइप के परिवार होते हैं। उसी तरह से हमारे देश में तीन टाइप के बजट बताए गए हैं। हमारा देश कौन सा फॉलो करता है वो हमें यहाँ पर देखना है, और उन तीन बजट के अलग अलग नाम क्या हैं वो आपको देखना है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट जो है, बजट इज एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन आपने पढ़ा कि उस पर लगाम कस के रखना जरूरी है। जो भी आपने फिस्कल पॉलिसी बनाया, अभी अभी जो हमने पढ़ा, फिस्कल पॉलिसी बनाना जरूरी है और उस पर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बनाना रखना जरूरी है। ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब नजर निगाह रखना, सुपरवाइजिंग करने का काम किसके मदद से होता है, बजट के मदद से। तो जो बजट है आप जानते हैं, हर साल बनाया जाता है, हर ईयर बनाया जाता है। तो बजट का जरा वर्ड मीनिंग देख लीजिए, बजट का वर्ड मीनिंग क्या है देखा जाए तो पहले स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। बजट इज एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू विच ऑल द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द स्टेट आर रेगुलेटेड। देखिए क्या लिखा है, रेगुलेटेड मतलब उसके ऊपर निगरानी रखा जाता है। तो बजट के बल पर हर पॉलिसी कहाँ तक सफल हो रही है उस पर निगरानी रखा जाता है। बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, शोइंग द एक्सपेक्टेड रिसीप्ट एंड प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन कमिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर। तो बजट में होता क्या है बेटा, बजट एक लेख है, मतलब एक डॉक्यूमेंट है। तो बजट एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर क्या लिखा रहता है, वो क्या शो करता है, द एक्सपेक्टेड रिसिप्ट मतलब इस साल हमें कितनी कमाई होने वाली है, कितना हम कमा पाएंगे, कितना देश कमा पाएगा वो, और प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर और कितने खर्चे की उम्मीद है इस साल, इस साल कितने खर्चे की उम्मीद है और कितना हम कमा पाएंगे वो यहाँ पर क्या है, बजट के अंदर लिखा होता है। इन इंडिया अ फाइनेंशियल ईयर इज फॉर्म्ड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो हर बार जो बजट है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए बनाया जाता है, इसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। एक साल 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगर आप ईयर लगाएं तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, 2020 से 2021, ये आपका फाइनेंशियल ईयर होगा। तो हर साल 1 अप्रैल से 31 मार्च को ही फाइनेंशियल प्लानिंग ईयर कहा जाता है और इसी के अंदर एक साल के लिए बजट बनाया जाता है। आर्टिकल 112 जो आर्टिकल नंबर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रशासन में, हैज अ प्रोविजन फॉर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसके अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि जो इंडिया का बजट है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए रहेगा। In every budget, a set of 7 budget document described in detail of government of financial in India. यहाँ पर लिखा गया है in every budget, हर बार जब budget बनता है, हर साल जो budget बनता है उसके अंदर क्या होता है, a set of 7 budget documents, उसके अंदर 7 budget होते हैं, 7 budget documents होते हैं, डिस्क्राइब जो बताते हैं द डिटेल्स ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंस इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट फाइनेंस के डिटेल के बारे में, मतलब 7 मुद्दों पर बात उस पर किया जाता है, 7 बजट डॉक्यूमेंट होते हैं हर साल। तो जैसे आप हर साल एग्जाम देते हो, 12th का हर साल एग्जाम अगर होता है तो 6 सब्जेक्ट हैं आपके,
सिक्स सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं, तो हर साल आपके सिक्स पेपर्स होते हैं, इन सभी पेपरों पर आपको सफल एग्जामिनेशन देना होता है। इसी तरह से बजट में भी 7 पॉइंट्स होते हैं, उन पर सफल डिसीजन लेकर इम्प्लीमेंट करना होता है। अभी देखिए जो जो ओरिजिन है बजट का, ओरिजिन के बारे में ये लोग बता रहे हैं, द वर्ड बजट इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड बजेटी। बजेटी वर्ड जो है फ्रेंच वर्ड है, तो बजेटी वर्ड से ही इन लोगों ने बजट बनाया है। बजेटी का मीनिंग क्या होता है? बजेटी का मीनिंग है विच मीन्स अ बैग और अ वॉलेट कंटेनिंग द फाइनेंशियल प्रपोजल। तो फाइनेंशियल प्रपोजल, जो फाइनेंशियल प्रपोजल मतलब भाई ये साल इन चीजों पर खर्च होना चाहिए, इन चीजों पर खर्च नहीं होना चाहिए, ऐसा हर स्टेट हर राज्य क्या करता है, प्रपोजल रखता है सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, और फिर उस प्रपोजल को पास किया जाता है या फिर फेल किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, बजट जो है, बजटी मतलब होता है एक बैग, मतलब एक झोला, एक बैग या फिर एक वॉलेट जिसके अंदर कंटेन रहेगा फाइनेंशियल प्रपोजल्स, मतलब रुपए पैसे के लिए सही प्रपोजल कौन सा है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स किसी भी लड़के या लड़की की शादी के लिए प्रपोजल्स आते हैं, तो हम चेक करते हैं कि ये लड़का कमाई इसकी सही है कि नहीं, इसकी पर्सनालिटी सही है कि नहीं, इसका बिहेवियर सही है कि नहीं, तो सारे चेक किए जाते हैं। जो लड़के सही लगते हैं, जो लड़कियां सही लगती हैं, उन्हें चुन लिया जाता है, और जो सही नहीं लगते उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो सिलेक्शन और रिजेक्शन का काम जो आप करते हो, ऐसे ही बजट के दौरान कई फाइनेंशियल प्रपोजल्स आते हैं, उसमें सिलेक्शन और रिजेक्शन होता है, और फिर फाइनली बजट तैयार किया जाता है। तो बजटी मींस क्या, एक बैग जिसके अंदर कई फाइनेंशियल प्रपोजल होंगे, तो वहीं से डिराइव हुआ है आपका बजट शब्द। दीज फाइनेंशियल प्रपोजल्स आर इन द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू। और ये सारे बजट के प्रपोजल सिर्फ एक ही बात पर होंगे कि यहाँ इस स्टेट में इस जगह पर इतनी कमाई होनी चाहिए, इतना खर्चा होना चाहिए, इतनी कमाई होनी चाहिए, इतना खर्चा होना चाहिए, इतनी कमाई होनी चाहिए, इतना खर्चा होना चाहिए, बस गवर्नमेंट रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के बारे में ही बजट पर क्या होगी, बातचीत चलेगी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, आपको बताया गया जो बजट है उसके अंदर रिवेन्यू और कैपिटल बजट दो टाइप के बजट बताए गए हैं, लेकिन मेन टाइप का बजट तो नीचे बताएंगे ये लोग, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट। ये इन लोगों ने एक छोटा सा मुद्दा बीच में डाला है, रिवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। रिवेन्यू बजट वो होता है जिस बजट के कारण कोई ऐसा खर्चा जिसके कारण आपके एसेट्स या लायबिलिटी पर कोई असर न पड़े, एसेट्स या लायबिलिटी पर कोई फर्क न पड़े, उसे रिवेन्यू बजट कहते हैं। और अगर आपके एसेट्स या लायबिलिटी पर फर्क पड़ा आपके किसी भी खर्चे के डिसीजन की वजह से, तो उसे हम कैपिटल बजट कहेंगे। बरोबर है, आप मान लीजिए स्टूडेंट्स आप कोई घर ले रहे हैं, लेकिन घर लेने के लिए आप अपना खेत बेच रहे हो, तो खेत आपका एक एसेट्स था, तो घर लेने के लिए आपने एक एसेट्स को खत्म कर दिया, तो अगर एसेट्स पे असर पड़ता है तो उसे हम कैपिटल बजट कहते हैं। और मान लीजिए आप क्या है, घर ले रहे हो लेकिन आपने कमा कमा कर एक मोटी रकम, बड़ी रकम बना ली है, उससे आप कर रहे हैं, कोई एसेट्स या लायबिलिटी आप खत्म नहीं कर रहे हैं, असर नहीं हो रहा है किसी एसेट्स या लायबिलिटी पर, तो उसे हम रिवेन्यू बजट कहेंगे। तो देखिए पढ़कर, रिवेन्यू बजट इट कंसिस्ट ऑफ रिवेन्यू रिसिप्ट एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू रिसिप्ट होगा। तो रिवेन्यू बजट ही बता रहा है कि जो है ये एसेट्स लायबिलिटी से रिश्ता नहीं रखता, मतलब इसके अंदर रिवेन्यू रिसिप्ट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होंगे जो आपके एसेट्स या लायबिलिटी से रिश्ता नहीं रखेंगे। रिवेन्यू रिसिप्ट्स आर डिवाइडेड इनटू टैक्स एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू। तो आप पहले ही आप पढ़ चुके हो, रिवेन्यू
हमने हमारे पास जो रिवेन्यू रिसिप्ट है वो टैक्स और नॉन टैक्स से होता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो आपने देखा था, डेवलपमेंटल नॉन डेवलपमेंटल रिवेन्यू और कैपिटल, तो उसके अंदर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इसके लिस्ट में सिर्फ आएगा। गवर्नमेंट बोरोइंग सब्सिडीज एंड ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो यहां पर इन्होंने बताया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कंप्राइज द इंटरेस्ट पेड ऑन गवर्नमेंट बोरोइंग्स सब्सिडीज एंड ग्रांट गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ऐसे खर्चे होते हैं जिससे कोई एसेट्स नहीं बनता है, सिर्फ स्टेट को या एक सोसाइटी को प्रॉफिट होता है, फायदा मिलता है, फैसिलिटी मिलती है, लेकिन कोई एसेट्स नहीं बनता देश का। तो यहाँ पर लिखा गया है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कॉम्प्रोमाइज या कॉम्प्राइजेज, तो कॉम्प्राइजेज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जिसके मदद से इंटरेस्ट पेड ऑन गवर्नमेंट बोरोइंग, जो सरकार ने कर्ज लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट चुकाती है, ब्याज चुकाती है। तो आप ब्याज चुका रहे हो, पैसे आपके खर्च हो रहे हैं, तो आपका कोई कर्जा कम नहीं हो रहा है, आप सिर्फ इंटरेस्ट चुका रहे हो। अगर लोन कोई चुका दो, लोन रीपेमेंट कर दो, तो आपका लायबिलिटी कम होता है, लेकिन सिर्फ उसके ऊपर ब्याज दे रहे हो तो आपकी लायबिलिटी कम नहीं हो रही है, आपका कोई एसेट्स नहीं बन रहा है। तो ये रिवेन्यू एरिया में आता है। सब्सिडीज एंड ग्रांट्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को जो आप छूट देते हो, जैसे सस्ते में अनाज देना, सस्ते में कपड़े, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज देना, ये सब्सिडीज होता है। और ग्रांट्स मतलब सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल को चलाने के लिए जो आप गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे प्राप्त करते हो, ये तो ये सब क्या है, डेली का रूटीन का खर्च है। इन खर्चों से गवर्नमेंट कोई एसेट्स नहीं बना पाती, तो ये आपका रिवेन्यू बजट के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, रिवेन्यू बजट में ऐसे खर्चे और कमाई को लिया जाएगा जिनसे कोई एसेट्स नहीं बनी या कोई लायबिलिटी खत्म नहीं हुई। एसेट्स या लायबिलिटी से इनका मतलब नहीं होता, इनका रिश्ता नहीं होता। तो आपने देख लिया इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, ब्याज चुका रहे हो तो कोई आपका एसेट्स नहीं बन रहा है, कोई लायबिलिटी आपकी खत्म नहीं हो रही है। या फिर सब्सिडीज एंड ग्रांट्स टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को या आप कोई भी राहत या छूट दे रहे हो तो उससे कोई भी आपके एसेट्स नहीं बन रही है, ये रेवेन्यू के अंतर्गत आएगा। देखा जाए कैपिटल बजट के अंतर्गत क्या आता है। कैपिटल बजट, द कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल रिवेन्यू। तो अब इसके अंदर सिर्फ कैपिटल वाली चीजों के बारे में बात की जाएगी, मतलब जिसकी वजह से आपकी लायबिलिटी कम हो या एसेट्स बढ़ जाए। तो जैसे देखिए स्टूडेंट्स, कैपिटल रिसिप्ट एंड आर गवर्नमेंट लोन, लोन्स रेज्ड फ्रॉम पब्लिक एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको बताया गया स्टूडेंट, सरकार जो कर्जे लेती है वो या तो पब्लिक से ले सकती है या आरबीआई से। तो यहाँ पर आप देखते हैं जैसे ही सरकार कर्जे लेगी तो उसके सर पे लायबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर लायबिलिटी ने जन्म लिया, तो लायबिलिटी आई एसेट्स से अगर रिश्ता है, असर है लायबिलिटी एसेट्स पर, तो कैपिटल बजट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से समझ पा रहे हैं कि कैपिटल रिसिप्ट ऑफ और आर गवर्नमेंट लोन रेज फ्रॉम, गवर्नमेंट ने अगर लोन उठाया है, कहां से लोन उठाया है, पब्लिक या आरबीआई से, तो सरकार के सर पर कर्ज आ गया, मतलब ये कैपिटल बजट के अंतर्गत आएगा। ये स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है इन लोगों ने, डिस इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी होल्डिंग इन द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। स्टूडेंट डिस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, आपने कहीं पैसे लगाए थे, उस पैसे को तोड़कर पैसे प्राप्त करना, मतलब लोग कहीं पर म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं, बीसी में पैसे लगाते हैं, किसी बैंक में लॉन्ग टर्म के लिए डिपॉजिट रखते हैं, लेकिन
दुर्घटना के समय, इमरजेंसी के समय वो हमें तोड़ना पड़ता है। बीसी तोड़ दो भाई, म्यूचुअल फंड तोड़ दो, बैंक डिपॉजिट जो किया था फिक्स डिपॉजिट उसे तोड़ दो, पैसे की सख्त जरूरत है। तो ऐसे अगर आप तोड़ते हो, कोई एसेट्स को तोड़कर पैसे प्राप्त करते हो तो एसेट्स पे असर हुआ ना, एसेट्स कम हो गया। तो अगर एसेट्स पर असर होगा तो उसे हम कैपिटल बजट कहेंगे। तो आपने एसेट्स तोड़कर पैसे प्राप्त किया है, ये कैपिटल बजट का मुद्दा कहलाएगा। लोन रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स, आपने विदेशी कंपनियों से, विदेशी लोगों से लोन लिया है, तो ये आपके सर पर कर्ज हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगी, और लायबिलिटी पर असर छोड़ने वाला क्या होगा, कैपिटल बजट के अंतर्गत आएगा। स्टेट डिपॉजिट फंड्स, स्पेशल डिपॉजिट फंड्स, ठीक है, तो ये आपके जो है कैपिटल बजट वाले एलिमेंट्स यही शो करते हैं कि इनका एसेट्स और लायबिलिटी पर असर होगा। तो इस तरह से हमने देखा बेटा, जो बजट है तो बजट बनाते टाइम दो तरह का बनता है। बजट का जो मेन पॉइंट है, एक ऐसा बजट होता है एक हाथ पर जिसके अंदर एसेट्स लायबिलिटी पर असर नहीं होता है, और दूसरा बजट ऐसा होता है जिसकी वजह से एसेट्स और लायबिलिटी पर असर होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं, कैपिटल पेमेंट रिफर्स टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, लोन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कंपनीज, कॉर्पोरेशंस एंड अदर पार्टीज। बिसाइड इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन सोशल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, डिफेंस एंड जर्नल सर्विसेज। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत स्टूडेंट्स एक्सपेंडिचर ऐसी जगहों पर किया जाएगा जिससे कोई एसेट्स बने या कोई लाइबिलिटी आप चुका दो, एसेट्स और लाइबिलिटी वाली ही बात की जाएगी। इसके दूसरे हाथ पर अगर देखोगे तो इन चीजों के बारे में बात नहीं की जाएगी। किन चीजों के बारे में? सोशल कम्युनिटी डेवलपमेंट, मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य पर, या फिर डिफेंस युद्ध पर, या फिर जनरल सर्विसेज, या फिर रोजमर्रा की सामान्य जो सेवाएं हैं उस पर खर्चा जो किया जाएगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल एक ही बात याद रखिए कि एसेट्स या लायबिलिटी पर फर्क पड़ा तो वो कैपिटल बजट है, एसेट्स या लायबिलिटी पर फर्क नहीं पड़ रहा है तो वो आपका रिवेन्यू बजट है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमारे पास तीन टाइप के बजट दिए गए हैं आगे, और इस तरह से चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये तीन हम लोग स्पीड में पढ़कर चैप्टर आज खत्म कर देते हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स है, आपको बताया गया कमाई ज्यादा है या खर्चे ज्यादा है, कमाई ज्यादा है या खर्चे ज्यादा है, इन दो मुद्दों को लेकर तीन टाइप का बजट बनाया गया है। देखिए नाम बैलेंस बजट, बैलेंस बजट मतलब होगा कि कमाई और खर्चा इक्वल, कमाया खर्च, कमाया खर्च, कमाया खर्च, कुछ भी बच नहीं रहा है। सरप्लस बजट होगा जिसमें कमाई ज्यादा होगी और खर्चे कम होंगे, मतलब घर में बचत 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 होता जाएगा। और डेफिसिट बजट ऐसा होगा जिसके अंदर खर्चे ज्यादा होंगे और कमाई कम होगी, खर्चे ज्यादा होंगे और कमाई खर्च होगी, उसे डेफिसिट कहते हैं। आप स्टार्टिंग से याद रखिए, इंडिया जो है वो डेफिसिट बजट बनाता है, इंडिया का जो बजट है वो डेफिसिट बजट है, क्योंकि इंडिया को डेवलप करना है, बहुत सी चीजें, बहुत सी सर्विसेज अभी बनानी बाकी है, प्रोड्यूस करनी बाकी है, तो इंडिया जो है डेफिसिट बजट चलाता है, ठीक है। अब बताइए आपके एरिया में अगर कोई ऐसा घर है जो बैलेंस बजट बना रहा है, बैलेंस बजट मतलब रोज कमाओ रोज खर्च करो, रोज कमाओ रोज खर्च करो, तो बताइए अगर ऐसा कोई घर होता तो कोरोना वायरस जो फैला हुआ है इसमें 7 महीने 8 महीने जो आप घर पर रह गए ये आप चला पाते क्या? नहीं, रोज कमाते रोज खर्च कर देते तो ये 7-8 महीने के लिए आपके पास कहां से पैसे होते। लेकिन किसी ने भी बैलेंस बजट नहीं बनाया, और ये हम किसी को सुझाव भी नहीं दे सकते कि बैलेंस बजट बनाइए, रोज कमाइए रोज खर्च कीजिए, ज्यादा क्यों कमाते हैं, नहीं, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर एक्सीडेंट्स के लिए, फ्यूचर तैयारियों के लिए, जो भी प्रॉब्लम्स है उससे फाइट करने के लिए हम बैलेंस बजट का सहारा नहीं ले सकते, बैलेंस बजट हमारे लिए फेल हो जाएगा। तो चेक कीजिए पढ़कर, बैलेंस बजट, गवर्नमेंट बजट इज सेट टू बी बैलेंस्ड
when estimated revenue and expenditure of the government are equal, that is government kamai, government ki receipt और गवर्नमेंट खर्चा, गवर्नमेंट की कमाई और खर्चा क्या होगा, इक्वल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए और याद रखिए। क्या बताया गया, गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दोनों क्या होंगे, अगर इक्वल होंगे, मतलब जितना कमाया उतना खर्च, जितना कमाया उतना खर्च, तो दुर्घटना के समय आप खर्च कहाँ से पैसे लाओगे, ठीक है। तो ये बहुत डेंजरस बजट है, इसे कोई फॉलो नहीं करता। The concept of balanced budget was advocated by the classical economists like Adam Smith. और ये क्या है, Adam Smith बहुत पुराने economist जिन्हें father of economics कहा जाता है, जो economics के पिता हैं, 1776 के हिसाब से इन लोग बता रहे हैं कि balanced budget Adam Smith ने कहा था कि सही है, एडवोकेट किया था, मतलब उसकी तारीफ की थी, बैलेंस बजट की तारीफ की थी और उसे ही सही बताया था। लेकिन अब नया जमाना आ गया है बेटा, गांव के जो गरीब लोग हैं वो हर साल अनाज उत्पन्न करते हैं, हर साल खर्च करते हैं, तो ऐसे नहीं चलना चाहिए, कुछ तो बचना चाहिए ना, तो अब ये नहीं चलेगा। इट वॉज कंसिडर्ड एज न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब क्या, जहां हो वहीं रह जाओगे। गाड़ी अगर न्यूट्रल पे रहती है, ग्रीन लाइट अगर चालू रहती है, तो गाड़ी क्या है, आगे नहीं बढ़ती, ठीक है। न्यूट्रल मतलब होता है जहां पर हो वहीं पर खड़े रह जाओगे, ठीक है। जिस घर में थे बचपन में, उसी घर में बुढ़ापे में भी रह जाओगे, जरा भी प्रोग्रेस नहीं करोगे, तो उसे न्यूट्रल कहते हैं। तो ये बजट आपको न्यूट्रल बना देगा इन इट्स इफेक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी। तो जो आपके देश की इकोनॉमी है, जो विकास है, वो न्यूट्रल रह जाएगा, एक रत्ती एक कदम भी आगे आप नहीं बढ़ पाओगे। एंड हेंस दे रिगार्डेड इट एज द बेस्ट। तो ये पुराने टाइम में क्या है, बेस्ट माना गया कि आप क्या है, जहां हो वहीं पर बने रहोगे, ना तो आपको ज्यादा कमाने की टेंशन होगी, ना तो कोई प्रॉब्लम होगा, पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं होगी, जितना कमाओगे उतना खर्चा करोगे। तो वो पुराने टाइम में उसे बेस्ट माना गया, पुराने टाइम में उसे बेस्ट माना गया, ठीक है। किसने बेस्ट मनवाया था, एडम स्मिथ ने, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, कब, 1776 में। हाउएवर, लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट द पॉलिसी ऑफ बैलेंस बजट नॉट ऑलवेज बी सुटेबल फॉर द इकोनॉमी। लेकिन बैलेंस बजट क्या है, कभी भी इकोनॉमी के लिए सही नहीं माना जा सकता। तो नए जमाने में ये सही नहीं माना जा सकता। द मॉडर्न गवर्नमेंट आर वेलफेयर एंटिटीज एंड हेंस दे कैनॉट कीप देयर एक्सपेंडिचर एट द लेवल ऑफ देयर रिसिप्ट। तो उतना ही खर्चा किया जाए जितनी कमाई हुई है, ये अब नहीं कर सकते, ठीक है। जितनी कमाई हुई है उतना ही खर्चा करोगे, तो जिस जगह पर खड़े हो उसी पर रह जाओगे। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं जरा देखा जाए, तो अभी तो ये सरप्लस बजट चल रहा है। सरप्लस बजट कहाँ होता है, डेवलप्ड कंट्रीज में, जो बहुत प्रोग्रेस कर चुके हैं, जिनकी कमाई बहुत ज्यादा है, वो सरप्लस बजट है। गवर्नमेंट बजट इज सेट टू बी सरप्लस व्हेन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट आर मोर देन द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर रिसिप्ट ज्यादा है और खर्चा कम है, तो ये सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज में हो सकता है। देखिए, गवर्नमेंट रिसिप्ट इज ग्रेटर, कमाई ज्यादा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से, कमाई आपकी ज्यादा है अगर खर्चे से, तो सरप्लस बजट में प्रूव यूजफुल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन चल रही है, तो ये बजट बनाना क्या है, सही है। मतलब आपके देश में क्या है, महंगाई चल रही है, तो सरप्लस बजट बना लीजिए, मतलब सरकार कमाएगी ज्यादा और खर्च कम करेगी, तो महंगाई पर क्या है, कंट्रोल होगा, महंगाई पर कंट्रोल होगा। अगर सरकार सारे पैसे पब्लिक के खींच ले अपने पास, कमाई ज्यादा कर ले और सरकार खर्चे ना करे, तो इससे क्या होगा, लोगों की परचेजिंग पावर क्या होगी, कम हो जाएगी। लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो डेफिनेटली सामान क्या हो जाएगा, मार्केट में सस्ता हो जाएगा। आप देख सकते हैं कोरोना के अंतर्गत, कोविड-19 के अंतर्गत सबके पास पैसे कम हो गए, तो मार्केट में चीजें भी क्या हो गई, सस्ती हो गई। मार्केट में कई चीजें क्या है, आपको सस्ते में मिलनी शुरू हो गई। तो
तो पब्लिक के पास पैसे अगर कम होंगे तो महंगाई के ऊपर कंट्रोल होगा। तो इन्फ्लेशन के दौरान सिर्फ सरप्लस बजट क्या है एडवोकेट किया गया है, सही माना गया है। देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ प्राइस टू राइज रैपिडली, हमेशा प्राइस क्या है बढ़ते जाता है। दिस नीड टू बी चेक्ड और उस पर लगाम कसने की जरूरत है। तो पर्टिकुलरली इन द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु हैव मोर और लेस एज फिक्स्ड इनकम, तो जिन लोगों की इनकम क्या है फिक्स है, हर महीने की सैलरी उनकी फिक्स है, तो ऐसे लोगों को लगाम कसने की जरूरत है। और लगाम कसने के लिए क्या किया जाएगा, द राइज इन द प्राइस कैन बी चेक्ड बाय द लोअरिंग द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड, इफेक्टिव डिमांड को गिराया जाएगा। इफेक्टिव डिमांड को गिराया जाएगा मतलब पूरे देश का जो डिमांड है उसे कम कर दिया जाएगा। जैसे ही देश में डिमांड, लोगों की शॉपिंग कम हो जाएगी तो चीजें मार्केट में क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। तो आप कोरोना के काल के अंतर्गत इसे फील किए होंगे कि जैसे ही पूरे आवाम का डिमांड कम हो गया, हर सेवा का हर जगह पर क्या है प्राइस कम हो गया। ठीक है, तो दिस कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस विच वुड इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस काल में जब महंगाई बढ़ रही है तो टैक्स क्या किया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, ताकि क्या हो, रिड्यूस द परचेजिंग पावर ऑफ पीपल, लोगों की शॉपिंग करने की शक्ति क्या हो जाए, कम हो जाए। बहुत ज्यादा शॉपिंग लोग करते हैं तो फिर माल भी क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। ठीक है, तो शॉपिंग उनकी कम करवा दिया जाए, इफेक्टिव डिमांड गिरा दिया जाए, तो डेफिनेटली लोग कम खरीदेंगे, कम खरीदेंगे तो मार्केट में चीजें सस्ती होंगी। एज अ रिजल्ट द एग्रीगेट डिमांड विल फॉल, डिमांड क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, लीडिंग टू डाउनवर्ड मूवमेंट इन द प्राइस, और जिसकी वजह से प्राइस क्या हो जाएगा, मार्केट में गिर जाएगा। दस इन्फ्लेशनरी प्रेशर कैन बी कंट्रोल, इस तरह से महंगाई को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए बेटा, कभी भी आप मान लीजिए खर्चे ज्यादा कर रहे हैं, रोज होटल में जाकर खाकर आते हैं, रोज अपने दोस्तों के साथ क्या है पैसे उड़ा रहे हैं, मतलब आप बहुत खर्चीले हो गए हैं, आप बहुत महंगे हो गए हैं, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, आपकी पॉकेट मनी कम कर देते हैं। आपके पास पैसे कम रहेंगे तो कम खर्चा करोगे, कंट्रोल हो जाएगी, आपकी खर्चीले कम हो जाओगे। तो उसी तरह से गवर्नमेंट भी पब्लिक से पैसे क्या है, टैक्स के रूप में छीन लेती है, ले लेती है, और पब्लिक का परचेजिंग पावर कम हो गया तो मार्केट में डिमांड गिर जाता है, शॉपिंग कम हो जाती है, तो चीजें क्या हो जाती हैं, सस्ती हो जाती हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारे पास बेटा, डेफिसिट। डेफिसिट बजट, ये हमारे देश का बजट है, हमेशा हमारे देश में क्या है, डेफिसिट बजट ही बनाया जा रहा है। डेफिसिट बजट मतलब क्या होगा, एक्सपेंडिचर ज्यादा किया जाएगा, खर्चा ज्यादा किया जाएगा, कमाई कम रहेगी। तो गवर्नमेंट बजट इज सेट टू बी डेफिसिट, गवर्नमेंट बजट डेफिसिट टाइप का है। कब कहा जाएगा, व्हेन एंटीसिपेटेड गवर्नमेंट रिसीप्ट आर लेस देन द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जब कमाई कम है और खर्चे ज्यादा हैं। यहां पर भी देखिए, रिसीप्ट इज लेस देन एक्सपेंडिचर, कमाई जो है वो कम है खर्चों से, अगर कमाई खर्चों से कम है तो उसे हम कहेंगे डेफिसिट बजट। और डेफिसिट बजट में प्रूव यूजफुल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन, पीरियड ऑफ डिप्रेशन मतलब जब आपका तनाव है आपके शहर में, तो तनाव के समय क्या है, डेफिसिट बजट बहुत ही बेनिफिशियल है। टेंशंस, ये समस्या वो समस्याएं, काफी समस्याएं हैं आपके देश में, तो हमें क्या है, डेफिसिट बजट का सहारा लेना होगा। इन द पीरियड ऑफ डिप्रेशन ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर एट लोअर लेवल विच रिजल्ट इन अनएम्प्लॉयमेंट, डिप्रेशन के अंदर क्या गत क्या होता है कि सारे धंधे, सारे बिजनेस क्या है, कम पैमाने पर चलेंगे, छोटे पैमाने पर चलेंगे, कम स्केल पर चलेंगे, तो आपके देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। दिस कैन बी चेक्ड बाय इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, मुख्यतः लोगों को रोजगार प्राप्त कराने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी, किस पर, कंपनियों पर, फैक्ट्रियों पर, नया नया डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन पर, ताकि नया नया डेवलपमेंट हो, नया नया कंस्ट्रक्शन हो, तो लोगों को जॉब मिले कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी, और जब कंस्ट्रक्ट हो गया तो उसके अंदर काम करने के लिए भी लोगों को क्या, एम्प्लॉयमेंट मिले। बाय, और ये एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ाया जाएगा, बाय बोरोइंग मनी एंड थ्रू डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग में क्या होगा कि खर्चे ज्यादा करने का डिसीजन लिया जाएगा,
कमाई कम है चलेगा, लेकिन खर्चे ज्यादा करेंगे तो ही देश में लोगों को जॉब मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। दिस विल इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड। और जब खर्चे पर ज्यादा करेगी सरकार तो लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ेगा, शॉपिंग ज्यादा होगी, शॉपिंग ज्यादा होगी तो ही लोग अपना अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करेंगे और देश का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कोरोना के अंदर लोग डिमांड नहीं कर रहे थे, कुछ खरीद ही नहीं रहे थे, तो किसी का कुछ धंधा नहीं था। जब सब लोग खरीदेंगे, सबकी परचेजिंग पावर पड़ेगी, तभी तो पूरे एरिया का, पूरे सोसाइटी का, पूरे देश का डेवलपमेंट होगा। तो ये जरूरी है कि इफेक्टिव डिमांड बढ़ाया जाए। इन मॉडर्न टाइम्स डिफिसिट बजट इज द मोस्ट कॉमनली इम्प्लीमेंटेड पॉलिसी ऑफ एनी गवर्नमेंट। तो किसी भी गवर्नमेंट का आप देखेंगे तो डेफिसिट फाइनेंसिंग ही वो कर रहा है, डेफिसिट बजट ही बना रहा है। आप भी हर एरिया में आप देख सकते हैं आपके एरिया में क्या हो रहा है, सभी लोग लोन पर ही ले रहे हैं, कमाई है नहीं फिर भी लोन पर उठा लेते हैं, घर उठा लेंगे, घर दुकान के लिए गाला उठा लेंगे, फोर व्हीलर उठा लेंगे, और धीरे धीरे कमाई नहीं है लेकिन धीरे धीरे कमाते कमाते उसे चुकाएंगे। तो सब जगह अब यही चल रहा है। ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग, कमाई नहीं है फिर भी खर्चा करना है, कमाई नहीं है फिर भी बड़े बड़े मोबाइल ले लिए जाएंगे, बड़े बड़े बाइक, बड़े बड़े फोर व्हीलर, घर ले लिए जाएंगे और धीरे धीरे कमाकर उसे पेमेंट किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से लास्ट टू लास्ट इम्पोर्टेंस ऑफ बजट, यूनियन बजट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट अफेक्ट्स पीपल एंड इकोनॉमी इन जनरल। नंबर ऑफ वेज टैक्सेस आर मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द बजट टैक्स डिटरमाइनिंग द फैट of the business and individual, the level of disposable income of taxpayer depend on tax rate presented in the budget. Government expenditure on various heads such as defense, administration, infrastructure, education and healthcare etc. स्टूडेंट्स, अगर बजट बनेगा तो ही पता चलेगा कि लोगों को कितना कमाना है, कितना खर्च करना है। सरकार को पता चलेगा कि युद्ध पर कितना खर्च करना है, प्रशासन पर कितना खर्च करना है, फैसिलिटीज पर कितना खर्च करना है, शिक्षा और सेहत पर कितना खर्च करना है। ऑल्सो बजट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज गवर्नमेंट यूज इट एज अ मीडियम ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज इन द कंट्री। बजटरी एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट अफेक्ट प्रोडक्शन। बजट आपका मजबूत होगा तो ही आपके देश में प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का अच्छा होगा। तो बजट बनाना बहुत ही जरूरी है, पब्लिक फाइनेंसिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। जो भी सरकार के पास ह्यूमन रिसोर्सेस हैं एंड मटेरियल हैं, तो ह्यूमन रिसोर्सेस और मटेरियल से देश को अच्छा से अच्छा गुड्स एंड सर्विसेस प्राप्त हो, लिमिटेड सोर्स से अनलिमिटेड वांट सेटिस्फाई किया जा सके, उसके लिए बजट बनाना जरूरी है। दस द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन मॉडर्न इकोनॉमी हैज अंडरगॉन एन इमेंस चेंज सिंस लास्ट 100 ईयर्स। तो पिछले 100 सालों से देखा जाए तो बजट ने बहुत ही बड़ा अपना कदम जमा लिया है और एक महत्व अपना स्थापित कर लिया है। सो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल पब्लिक फाइनेंस जो टॉपिक है वो देश के डेवलपमेंट के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए, लोगों के सहूलियत के लिए, कम रिसोर्सेस में इंसानों की चाहतों को पूर्ण करने के लिए पब्लिक फाइनेंस बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है और ये 100 सालों से बहुत ही अपने पैर को जमाता हुआ आगे विकसित होते हुए हमारे सामने आ रहा है।